आप सबको स्वागत है। हम 30 मई के शुरू योगदान में पहुंच चुके हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें कोई एक रोल मॉडल मिले जिसको हम फॉलो करें, और आज परमपिता परमात्मा हमारे लिए सबसे पहला बच्चा जिसको कहते हैं ब्रह्मा या एडम, उनको हमारे एक रोल मॉडल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो, हमारे रोल मॉडल बनते कैसे हैं, आज ये सारी चीजें हम सीखेंगे, और हमें उससे सीखना क्या है और हमें उनके जैसे बनना क्या है वो भी आज हम समझेंगे, जिससे हमें ये फायदा है। तो परमात्मा कहते हैं फॉलो फादर कर, नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भवा। ऐसी आत्मा जिसने कि अपने आप को पीछे किया और सारे विश्व को, सारी सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा को उनके द्वारा सारी सृष्टि का परिवर्तन करने दिया, लेकिन खुद अपने आप को आगे नहीं रखा, खुद पॉपुलर नहीं बने, अपने आप को पीछे कर दिया, बैकबोन बन गए। तो उन्होंने इस जन्म का त्याग करके अगले जन्मों का भाग्य बनाया। पिछले परमात्मा कहते हैं जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, अपने आप को आगे नहीं किया कि मैं पॉपुलर बन जाऊं, मेरा नाम मान शान हो, मेरा पोस्टर निकले, मेरी फोटो निकले, नहीं, स्वयं बैकबोन रहे। ऐसे फॉलो फादर करो, जो बैकबोन रहते हैं वो ही भविष्य में राज्य भाग्य पाते हैं। जितना यहां बाप को फॉलो करेंगे उतना वहां नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। तो जो क्वालिटीज होती हैं, जो संस्कार होते हैं, अगर हमारे वो संस्कार क्वालिटीज परमात्मा के पहले बच्चे एडम या ब्रह्मा जैसे बनते जाएंगे, तो उसके हिसाब से हमारे वाइब्रेशंस उनके जितने बनेंगे, उनकी जैसी हमारी वाइब्रेशंस होंगी, जैसे परमात्मा का बच्चा वैसे हम, और उसके हिसाब से हमें आगे भविष्य में उनके तख्त पर बैठने का भाग्य मिलेगा। लेकिन ये मासी का घर नहीं, ये आसान बात नहीं है, कहना आसान है। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते हैं। बाप के साथ खाते पीते रहते खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते हैं। मतलब कि सेम संस्कार हो गए, सेम हैबिट्स हो गई। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा, जैसे होता है कि कोई अगर आपका फ्रेंड होता है, कोई रिलेटिव होता है, आपको उसके हैबिट्स अच्छे लगते हैं और उनको आपके हैबिट्स अच्छे लगते हैं, और आपको हमेशा उनकी हैबिट्स याद आती हैं, और आपको अंदर ही अंदर हंसी आती है, मजा आता है, खुशी होती है। हंसी मतलब मजाक वाली हंसी नहीं, खुशी वाली हंसी। तो उतना ही आपको फील होता है कि आप उनके कितने निकट हो। सेम चीज यहाँ पर है, जितने हमारे परमात्मा के पहले बच्चे एडम ब्रह्मा जितने हमारे संस्कार अगर होंगे और हमें उसमें खुशी होगी कि हम भी उनके जैसे बन रहे हैं, तो उतना ही हमें नेचुरल नशा रहेगा, है ना, निश्चय स्वतः रहता है। फिर हमें नशा रहेगा कि हम भी उनके साथ रहेंगे, उनके साथ मिलेंगे जाकर के। तो दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, परमात्मा पिता के पहले बच्चे के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। ये नशा दिल में हो तो ऑटोमेटिकली हमारा पुरुषार्थ और हमारा अंदर का परिवर्तन बहुत तेज होगा। मुझे भी ये वरदान सुनते हुए भी काफी सारी चीजें रियलाइज हो रही है अपने बारे में भी, ये नशा, ये जो नेचुरल होना चाहिए नशा, ये कहाँ है, इसको मुझे ढूंढना है अपने अंदर भी। और यही नशा अगर हमारे अंदर मिल जाए, मैं अंदर से ये नशा आ जाए कि मुझे परमात्मा के पहले बच्चे के साथ में जाकर के भविष्य में भाग्य विधाता के पहले बच्चे आदम ब्रह्मा के साथ में उनके श्री कृष्ण वाले जन्म में जाकर के, नेक्स्ट जन्म में जाकर के उनके साथ में रहना है, तो ये नशा अगर आ जाए तो फिर कोई रोक नहीं सकता अपने आप को परिवर्तन करने में। लेकिन कुछ ना कुछ चाहिए ना मुझे किसके साथ, कुछ उपलब्धि जब तक ना हो तब तक कोई इंसान अपने को चेंज नहीं करता है। क्यों करूं मैं चेंज अपने आप को, इस कलयुग में चल रहा है सब कुछ, जीवन चल रहा है, खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे उठ रहे हैं, लेकिन मुझे भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में सबसे पहला मनुष्य परमात्मा की सबसे पहली रचना के साथ जाकर राज्य करना है मुझे सत्य में, या आप कह सकते हैं हेवन ऑन अर्थ में, जो कि बनाया जा रहा है फिर से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और एक रेवलेशन है परमात्मा ने जिस तरीके से इसको रखा है, इस वरदान को, कुछ नई बातें महसूस हो रही हैं, समझ आ रही है मुझे, और पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है इस तरीके से। और नंबर वार तो परमात्मा ने कह ही दिया है, तो आप भी आकर के इस चीज को समझ सकते हैं गहराई से, ये है क्या एग्जैक्टली, ये कहना क्या चाह रहे हैं परमात्मा, एडम के जैसे बनना, ब्रह्मा के जैसे बनना, ब्रह्मा के साथ में जाकर राज्य करना, क्या बातें हो रही हैं। ये सारी चीजें जो राज हैं, ये सीक्रेट्स हैं, जो कि एंड ऑफ डेज में रिवील किया जाता है एज पर बाइबल, एज पर कुरान भी, और एज पर भगवद गीता भी, ये सारी चीजें आप जाकर के सीखिए क्योंकि समय कम है। ओम शांति इसके साथ।